लोकशक्ति न्यूज नातं विश्वासाचं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांच्या सूचनेनुसार AIMIMचे सोलापूर शहर जिल्हाध्यक्ष हाजी फारूकभाई शाब्दी यांनी राबिया हॉल बिदर कर्नाटक येथील MIMचे अध्यक्ष अतिफ अशर यांनी आयोजित केलेल्या पक्षप्रवेश कार्यक्रमास उपस्थिती दर्शविली। यावेळी बिदर शहरातील युवकांनी AIMIM सोलापूर शहर व जिल्हाध्यक्ष हाजी फारूकभाई शाब्दी आणि बिदर अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्नाभाई यांच्या उपस्थितीमध्ये AIMIM पक्षामध्ये प्रवेश केला। मेरे दिल में जो आता है मैं साफ साफ लफ्जों में आप लोगों को बोलता हूँ। तो आज यहाँ पर जो ये प्रोग्राम का एहतमाम किए माशाल्लाह वो शॉर्ट नोटिस में, आप लोगों को भी टाइम नहीं मिला होगा तैयारी के लिए, मुझे भी असद साहब की हिदायत पर अर्जेंट में यहाँ आना पड़ा। माशाल्लाह प्रोग्राम आज जो भी लेवल का है, मैं सबसे पहले इसकी बधाई जो नए लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं उनको उनका इस्तकबाल करता हूँ पार्टी में, और उनको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने सही वक्त पर सही फैसला किया, और आप लोग ये जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है। हमको ये सोचना है, ये ध्यान में हमेशा रखना है कि हम मजलिस के एक सिपाही हैं, और असद साहब अकबर साहब के नाम को रोशन करने के लिए हम लोगों को जो करना पड़े वो करेंगे, वैसी सोच रखकर हम लोगों को काम को अंजाम देना है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल की जो एजेंडा है, असद साहब और अकबर साहब के जो काम है वो लोगों तक पहुँचा है। हमारे मुन्ना भाई ने भी बताया कि लोगों के बीच में गलत फहमी बहुत फैलाते हैं, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत है कि इतनी गैर समझ फैलाने के बावजूद भी आज मजलिस सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है, आज मजलिस पूरे भारत देश में अल्हम्दुलिल्लाह अपना परचम लहरा रही है, जिसका सबूत पिछले दिनों हुए बिहार इलेक्शन है, गुजरात के इलेक्शन है, महाराष्ट्र इलेक्शन है, तो ऐसे कई इलेक्शन है। गए बार कर्नाटक बच गया था किसी वजह से, इस बार नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। इस बार कर्नाटक में भी असेंबली इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं एक अपनी बात आप लोगों को बताना शेयर करना चाहता हूँ कि मैं दिल से भी ये चाहता हूँ कि मजलिस कर्नाटक में स्ट्रांग हो, और कर्नाटक के खासकर इस इधर इलाके में क्यों मजबूत हो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो मरहूम दादा है और दादी है, उन लोग की पैदाइश कर्नाटक में एक शहर अलग करके जो बिदर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे दादा दादी की पैदाइश हुई। मेरी अम्मी अलंग के आगे एक खेड़ा गांव है मटकी जिसका नाम है, मेरी अम्मी वहाँ की पैदाइश ये है माशाल्लाह। तो मेरा ननिहाल भी कर्नाटक का है, मेरे दादा दादी भी कर्नाटक के हैं, तो मैं एक दिल से ये चाहता हूँ कि कर्नाटक मजलिस स्ट्रांग हो, ताकि मैं जब जाऊँ कर्नाटक, हम लोग अलग हो जाता हूँ मैं माशाल्लाह बार बार, तो वहाँ जब जाऊँ तो वहाँ भी मैं देखूँ हमारे लोग उस मुकाम पर बैठे हुए हैं जिसके तहत वो लोग मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की आवाज़ बन के उनकी मदद कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक वो दिन मुझे जल्द से जल्द दिखाए, और वो दिन की शुरुआत हो चुकी है मैं ऐसा समझ रहा हूँ आज के प्रोग्राम से इंशाअल्लाह। मैं आप लोग को ये बताऊँ कि अभी सब जितने भी लोगों ने यहाँ पर बताए, सब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के काम को बताया, अब बताने का टाइम नहीं है, पूरी दुनिया जानती है वो क्या करते हैं, किस बेबाकी के साथ मुस्लिम दलित पिछड़ों की आवाज़ बन के संसद में वो बोलते हैं। उसी के साथ साथ हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, जिस किस्म से वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चला रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे महाराष्ट्र के खासदार इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने हाल ही में भी कई हजार घरकुल घरों की स्कीम पास की, घरकुल स्कीम बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, गरीब लोगों को घर दिलाने का काम किया। कुछ दिनों पहले कई सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट औरंगाबाद शहर में लेके आए, और आप देख लो
544 है ना सर, 544 है शायद, हैं आप जो भी है 44-45 जितने भी है कोई नहीं दिखता है, ये दो के सामने कोई नहीं दिखता है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कर्नाटक की असेंबली में भी इंशाल्लाह जब हमारे लोग जीत के आए तो ये जो 229 बोल रहे थे अभी मुन्ना भाई, वो 229 में भले 5 रहे, 7 रहे, 10 रहे, 2 रहे, लेकिन ये दो मुक्के नहीं रहे,